हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एमरा मिसाइल के बारे में। तो इस मिसाइल के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिकन्स ने इसको समय के साथ साथ इवॉल्व किया है, और आज जो इसके सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो चाइना की लेटेस्ट PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल को टक्कर देने में सक्षम है। तो ये जो एमरा मिसाइल्स हैं, ये लेट 1970s से डेवलपमेंट में है, और 1991 में पहली M120A मिसाइल जो है सर्विस इंडक्ट हुई थी। तो इन मिसाइल की जो रेंज है ये मैक्सिमम 35 किलोमीटर के अप्रोक्सी थी, पर ये एक एक्टिव मिसाइल थी जिसकी वजह से सेमी एक्टिव मिसाइल्स की तरह टारगेट पर लॉक तब तक मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता था जब तक मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर जाती। फिर इसके बाद बी वर्जन आया जिसमें रेंज जो है एक्सटेंड होकर करीबन 70 से 80 किलोमीटर के अप्रॉक्स हो गई, और इन मिसाइल्स को 1994 से USAF ने रिसीव करना चालू किया। इन मिसाइल को आप कंपेयर कर सकते हैं अर्ली R-77 मिसाइल से। फिर इसके बाद M-120C आई करीबन 2 साल बाद 1996 में, जिनके जो विंग्स हैं ये साइज में थोड़े छोटे थे और मैक्सिमम रेंज तो थी ये 105 किलोमीटर के अप्रॉक्स थी। फिर इन M-120C का जो अपग्रेड है ये लगातार चलता रहा, जिसमें जो मेन फ्यूज है इसको इम्प्रूव किया गया और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस किए गए इस मिसाइल को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए। उसके बाद जो रेंज एक्सटेंशन का काम है ये M-120C7 में प्लान किया गया, जिसके लिए काम 1998 से ही चालू कर दिया गया, और इस मिसाइल को सक्सेसफुली 2003 में टेस्ट किया गया जो कि सर्विस में इंडक्ट भी हुई। फिर जो मेजर चेंज है ये M-120D से आया, जिसमें मैक्सिमम रेंज जो है ये एक्सटेंड करके 50% तक बढ़ाई गई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 160 के अराउंड थी। तो यहाँ पर रेंज बढ़ाने के लिए मिसाइल को लंबा या बड़ा नहीं किया गया, बल्कि जो गाइडेंस सिस्टम है, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको चेंज किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया गया कि जो सर्किट बोर्ड पहले से लगे थे, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनको स्क्वायर शेप से बदलकर सर्कुलर किया गया। तो इनके द्वारा जो स्पेस लिया जा रहा था उसको इम्प्रूव किया गया, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोपेलेंट के लिए स्पेस बना, साथ ही साथ नए इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर ऐड किए जा सकते थे। तो जो रेंज एक्सटेंशन है ऐसा माना गया कि 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स हो गई सेम मिसाइल में। तो इस मिसाइल की जो टेस्टिंग है ये 2006 में स्टार्ट हुई और 2009 से ये सर्विस इंडक्ट होना चालू हो गई। फिर इन्हीं डी वर्जन का एक और अपग्रेड हुआ, जिसके अंतर्गत 2-way डेटा लिंक को ऐड किया गया, जिसके बाद GPS एडेड जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है उसको ऐड किया गया, हाई ऑफबोर्ड कैपेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव करी गई। तो इन सब से क्या हुआ कि ये मिसाइल ज़्यादा एक्यूरेट हो गई, तो जो एनर्जी ब्लीड होती थी टारगेट एक्विजिशन में वो इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से जो रेंज है ये एक्सटेंड हुई। फिर इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है ये M-120D3 वर्जन है, जिसमें क्या किया गया कि जो ऑनबोर्ड सर्किट बोर्ड था करीबन 30 बोर्ड्स थे, उनमें से 15 को रिप्लेस कर दिया गया, और ये जो नए बोर्ड लगाएगा ये काफ़ी कम पावर को कंज्यूम करते थे, साथ ही साथ स्पेस बड़ा था तो ज़्यादा बेटर बैटरी भी लगाई गई, और सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया। तो ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करी हुई है कि मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज होती है ये काफ़ी हद तक उसकी बैटरी पर भी डिपेंड करती है कि उसकी लाइफ कितनी है। अगर ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा तो बैटरी लाइफ कम होगी और एयर टाइम जो है ये मिसाइल का कम रखना पड़ेगा। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, जो पावर कंजम्पशन है उसको हम लो रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो बैटरी की लाइफ है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और एयर टाइम हम ज़्यादा मिसाइल को दे सकते हैं। और यही चीज़ जो D3 अपग्रेड है इसके साथ करने की कोशिश करी जा रही है। सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक में इम्प्रूवमेंट किया गया, 2-way डेटा लिंक को यहाँ पर दिया गया, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ी, तो टारगेट एक्विजिशन में भी ज़्यादा जो है मिसाइल को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये मिसाइल ज़्यादा समय तक हवा में रह सकती है। मैक्सिमम ये रेंज कितनी अचीव कर पाती है इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करी गई है, लेकिन ऐसा मानकर चला जाता है कि 180 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम होगी, जो कि इसे PL-15 के बराबर लाकर रख देती है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि 2022 से ये मिसाइल टेस्ट हो रही हैं, वहीं पर जो इसके पहले के वर्जन थे उनसे लॉन्गेस्ट एयर टू एयर मिसाइल शॉट जो है ये भी US द्वारा क्लेम किया जाता है। तो डेफिनेटली ये मिसाइल जो है ये उससे ज़्यादा रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी, तो इसका जो नो एस्केप जोन है ये वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट मिसाइल में से एक बन जाती है, और वो भी तब जब यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन के लिए ड्यूल पल्स जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया गया है और कोई बहुत बड़े इंप्रूवमेंट भी नहीं किए गए हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम अस्त्र मिसाइल की बात करेंगे तो अस्त्र मिसाइल एमरैम से हल्की मिसाइल है और वहाँ भी 2-way डेटा लिंक दिया गया है। ऑल्दो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ GPS नहीं दिया गया है, पर वहाँ भी अपग्रेड पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।